carries around the baby because they're not technically married. Just in Chadi, Ogi, and then Bacha Sulchma. That is how it is. Also, हर लड़के को पता है चाबी कहाँ डलती है, ठीक है, वो रौनक को पता होता है। अब यहाँ पर जो मुझे क्राउड नजर आ रहा है, एक लॉन्ड वो दिन तुम्हारी जिंदगी में स्पेशल नहीं होता, वो हमें पता है, वो हमें पता हो जाएगा शादी के बाद, शादी से पहले। The most important day for a guy is when he gets his first blowjob. I'm sorry, because it's taboo. Hai, oral sex kala haram, hum nahi kar sakte. So that is the most important day. Because shaadi bhi hui hai, 40 saal ke baad agar koi begum apni maa se lekar jump sex, jump blowjob. If you insist. So yeah, that's the most important day for every guy. Yeah, man, really awkward shit. What was supposed to talk about? Yeah, gandhi baaton se aata hai, sex education in Pakistan is really fucked up. There's a lack of sex education in Pakistan, yeah? Matlab, itni buri hat tak hai ki hamari sex education na Pakistani playground ke andar hoti hai. School ke andar. Ab aap mein se, I'm assuming, ज़्यादातर बॉयज एंड गर्ल्स वही हैं जिनकी एक सहेली होती है या एक उनका लौंडा होता है गंदा, उसे कोई पता लग जाता है, तो उसको किसी दूसरे कजन ने बताया होता है, जब कजन उसकी लेयर होता है ना, साथ में बोले ब्रो बात सुन मुझे कॉल बोल दादा तुम असल में। तो वो जब एक बॉय को पता लगती है बॉय की जिंदगी खराब हो गई है, वो अगले दिन स्कूल आता है और कहता है बॉयज तुम लोगों को पता मुझे क्या पता लगा, दुआ करती है और ना फिर उसके बाद हमारे यहाँ बेबी होता है और जो भाई बताने लगता है कहता है बहुत तेज तो जिंदगी खराब है और फिर वो टेंशन लौंडा आपको बताता है के ब्रो टगड़ा टगड़ा तेरे में वो मेरे में टगड़ा। एंड देन व्हेन यू गो होम लाइक व्हेन आई फाइंड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसका होता है, मैं पागल हो गया था, मैं रोड पे चला हूं गाड़ी देखो मैंने नहीं कोई बच्चा अंडर अंकल अंडर साथ में नहीं, ये भी उन्होंने भी किया था, फिर आप घर जाते हो निंग निंग मैं उसको बैठे के मौत आता हूँ आपके दादा दादी नजर आते ऑलवेज हैव दिस फक्ड अप इशू, तुम्हें शेडी में पता लगता है कि चलो हम तो दुआ से पता करते थे बच्चे, लेकिन अब आपको पता लगता है कि नहीं, एंड इट्स रियली ऑनेस्टली इट्स रियली फक्ड अप, मतलब आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि बंदा क्या कह रहा है, इट्स रियली रियली बस। दूसरा every guy has a masturbation joke, कोई खातून को सिर्फ चॉकलेट लेके गई थी, चॉकलेट आपके पास में सही नहीं, नहीं मैं तो and then you do it and you're like, oh, this is so good. This is brilliant. And then you're like, oh, shit. You're like, oh, shit. Yeah, you know. You're like, oh, shit. You're like, oh, shit.
I'm not telling his fault. Boys, किसकी पड़ी थी? पहले तो किसकी पड़ी थी? मतलब ये क्या हो गया? ये तो नोट में लिखा हुआ था. आयशा के बारे में सोचना, साबुन, वैसलीन, ये कुछ नहीं लिखा हुआ था. ये नहीं बताया उसने. ये क्यों? मैं तो आप उसके बाद टेंशन घर में आपने हम भाई मैं पुराना हूँ. पीटी सेल के जमाने अब लाउंज में फोन पड़ा हुआ था और मैं असद को फोन करके बोले भैया वो मौसम अब आपने इंतजार करना है फिर स्कूल जाने का और आपने पूरा एक दिन टेंशन में गुजारा है. किससे पूछे? अब्बा से भी नहीं पूछ सकते, भाई से भी नहीं पूछ सकते, भाई छोटा है. और आप बस बैठे हो गए वरना गया वो बड़ा मैं बोल के नहीं करो वो पूरी ठीक कर रहे हैं. और अगर कोई मेरे ऐसे कंजर दोस्त है जिसमें लेगा ब्रो लंबे बाल हैं, गले में तुम एक पहना कुछ चलो देना भी लगता है. And the giant benefit. I'm gonna be a musician. My electric guitar is longer. मुझे बोला था ping ping ring बच्चियाँ ठीक है ping. बाल क्यों लंबे रखे हैं? Compensate तो नहीं कर रहा. हाँ ये अच्छा लगा मुझे. मैं क्या बात कर रहा? मैं क्या फेंक रहा था? बहुत हो गया मेरे दिमाग में. मैं भाई I'm sorry guys, so I'm going to be a rock band. तो मेरे पहले मतलब बॉडी में बुखार हो गया भाई. समझो ना यार, मतलब एकदम सब कुछ सामने आ गया. जिंदगी में सोचा भी नहीं था. आपको मतलब कहते हो कि मतलब ये हो गया है, ये कपड़ों के बगैर ऐसे हो गए हैं, मतलब क्या सिचुएशन है. खून आपका दिमाग से सीधा नीचे. ये लड़कों को पता लगे कि खून आपका है जो आपका ब्लड प्रेशर नीचे हो गया. आप घूम रहे हो अभी क्या है? ऐसे भी होता है. It's a mix of pleasure and pain, and you're like, oh my god, what to do? Yeah, I should have jerked off then. That would have made a lot of sense. Maurice, aap woh khush ho rahe hain? Daddy wale hamare sabse harami hote hain. Sabse harami. You know, this is might not go well with it. So, Arath March happened? Awkward. Yes, so we'll go to Arath March. So, no. So, I think this is what you should do at Arath March. I'm perfectly fine with it. Women claiming their rights, going out there, talking about their shit is perfectly fine. But what I really want to do is जितने भी यार यहाँ पे कोई बोलते नहीं है फुल फंडू मुस्लिम भाई, क्योंकि मैं खादिम भाई की बात करने लगा. खादिम हुसैन दल्ला रिजवी की. सो हाँ, अच्छा खादिम रिजवी. तो आई यूज टू फील यू कांट जोक अबाउट पीपल इन व्हीलचेयर्स. Yeah, you feel, okay, yeah, ठीक है यार, they're in wheelchairs, you can't talk about them. But मैं एक कंजर होता है. और मैं वो बीचर वैसे किसी उसमें देखा मेरा fucking busy. Khadim Rizvi has ruined people in wheelchairs. Like you never feel bad for people in wheelchairs, yeah? Like he's the only guy like मैं थोड़ा भी गाड़ी में धक्का दूँ. So this is what I want all the Khadim Rizvi and the Fundu boys उनको लेने और मार्च में आंखों में पटियां बांध के आंखों में पटियां बांध के उनको नहीं पता लगा कि हमारा किलर मार दिया. बच्चियां और दूसरी छोड़ी आपने मौलवी को बांधा हुआ है. समझ रहे हैं ना? आप उनकी बांधने में सामने बच्चे आ रहे हैं. आप उनके दिमाग और उनके जनरल्स साइमल्टेनियसली पढ़ जाएंगे. समझ रहे हैं? आप मेंटली भी नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, आप सेक्सुअली भी नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं. मतलब खाने में सिटिंग करके यार मुझे तो खाली राफे देख, राफे के बॉयज थे लेकिन ये तो मतलब बच्चे आ. You think